बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, साद हुसैन रिजवी साहिब की रिहाई के मुतालिक आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करता चलूँ कि साद हुसैन रिजवी साहिब की रिहाई के जो हुकूमत ने मुकदमात उनके ऊपर लगाए गए थे, तो हुकूमत की जानब से एक दरख्वास्त अब दायर कर दी गई है कि हुकूमत ने ज़ाहिर है जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो गवर्नमेंट की जानब से उनके ऊपर कुछ मुकदमात दायर कर दिए गए थे जिनकी बिना पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो अब जो है हुकूमत की जानब से वो तमाम तर इल्ज़ाम जो है वापस लेने का कहा गया है। हुकूमत ने कहा है कि ये तमाम जितने भी हमने इनके ऊपर मुकदमात या इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो उनसे हम विड्रॉ करते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि इनसे ख़त्म किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में अब दरख्वास्त को दायर कर दिया गया है। अब तीन जो जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है, अब वो इस केस को दरख्वास्त को देखेंगे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को मार्क करते हैं और उसके बाद जो है साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई हो जाएगी। यानी कि अगर वो आज दरख्वास्त दी गई है सोमवार वाले दिन करते हैं तो इंशाअल्लाह सोमवार को उनकी रिहाई हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।